विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ जो 23 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि इसी दौरान कुल 5 बैठकें होनी है। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत चंबा के पूर्व विधायक दिवंगत बीके चौहान पर शोकोद्वार व्यक्त करते हुए हुई। इसी के साथ ही प्रस्ताव पर यह चर्चा करीब 1.5 घंटे तक चली है। इसके बाद सुबह करीब 11:45 पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की घोषणा की तो यह केवल 15 मिनट तक ही चली। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार देने के लिए काम कर रही है। हम कैसे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाएं? स्वरोजगार के लिए हमने कहा कई युवा साथी है जो पैसे नहीं खर्च कर सकते लेकिन उनके पास जगह है। हम कई जगह जाते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हिमाचल के युवा 15,000 रुपये में लगे हैं, 20,000 रुपये में लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नीति पर कार्यवाही कर रही है। उस नीति में हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास 3 बीघा जगह है और 3 बीघा जगह है तो उसको हम 20,000 रुपया पर मंथ देंगे। यानी कि जिस खेत में अगर साल में अगर टोटल इनकम की जाए, अगर किसी के पास 3 बीघा तो उससे कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम होती है, चाहे फसल उगा दे चाहे सेब उगा दे। इस योजना के तहत 2,40,000 रुपये उसको साल का देने जाएंगे। इस योजना का ये जो हमारा 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना ई टैक्सी वाली का प्रथम चरण है, ये दूसरा चरण हमारा शुरू होने वाला है जो आने वाले 9 वर्ष में शुरू। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 1,057 स्कूलों को भारी बारिश से नुकसान हुआ लेकिन स्कूलों की अभी तक मरम्मत नहीं हुई। असुरक्षित हो चुके स्कूलों में बच्चों को बैठना नहीं चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। सरकार को जल्द पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से असुरक्षित स्कूल भवनों की जाँच के लिए टीम भेजने का आग्रह किया। स्कूलों को जो नुकसान हुआ है उसमें 1,057 आपने संख्या बताई है, ये पूरे प्रदेश की है और बहुत सारे स्कूल इसमें ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। वहाँ पर बच्चों को बैठने की, अपनी पढ़ाई करने की दृष्टि से बहुत बड़ा उनके सामने एक संकट है। जब स्कूल ही नहीं रहा तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरी एक कैटेगरी ऐसी है कि जो भवन डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए हैं, और क्या वहां पर बच्चों को ऐसे हालात में बैठाना उचित होगा जब वो भवन जो है वो एक तरह का डैमेज इस तरह से हुआ कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे एक नहीं अनेकों स्थानों पर इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं कहूँ तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। कुछ स्कूल तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, वो पूरा का पूरा स्कूल चला गया और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर वो पार्शियली डैमेज हुए हैं। कुछ को तो रिपेयर किया जा सकता है जहां संभावना है लेकिन कुछ को रिपेयर करने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन हकीकत अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को शायद इस बात का की जानकारी है कि नहीं कि अभी तक भी जो पार्शियली डैमेज जो हैं, जो असुरक्षित है हर तरह से, वहां पर बच्चों को बिठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं बिल्डिंग कलैप्स होगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बात को पूछना चाहता हूं, ये जानकारी चाह रहा हूं कि एक तो जिन बच्चों को बैठने की कोई सुविधा नहीं रही क्योंकि स्कूल चला गया, स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गया, और कुछ जगह ऐसे हालात बन गए हैं वहां पर के वो स्कूल उस स्थान पर बन ही नहीं सकता है क्योंकि लैंडस्लाइड इस कदर हो गया है, तो उसके बारे में आपने क्या व्यवस्था की? कितने प्रदेश में, अपने प्रदेश में कितने स्कूल ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था आपने की है? लोगों के घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, महिला मंडल में, युवक मंडल में ये वहां पर बच्चों को बिठाया है, ये परिस्थिति है वहां पर। तो क्या वहां पर प्राथमिकता के आधार पर आप पैसा जो है वो तुरंत देने की कोशिश करेंगे? हमने डिप्टी कमिश्नर से जब बात करते हैं तो वो कहते पैसा नहीं है। दूसरा जो पार्शियली डैमेज
और जिसको उसका ऑडिट आपने किया है क्या कि वो किस स्थिति में है? अगर बैठने के लायक रिपेयर करके वो स्थिति बनती है तो वो सोचा जा सकता है, वो किया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक ऐसा कोई भी आपने नहीं किया है कि उनका उनके लिए कोई एक टीम भेज करके उसका जो है पूरा निरीक्षण किया हो, निरीक्षण करने के बाद आपके पास रिपोर्ट आई हो और उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इस स्कूल के भवन में भले ही भवन खड़ा है लेकिन असुरक्षित है, वहाँ बच्चों को बिठाना मुश्किल है, तो वहाँ पर क्या आप तुरंत जो है वहाँ पर भी इस प्रकार का बजट का अरेंजमेंट करेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी हम चिंता कर सकें और बच्चों को पढ़ाई की दृष्टि से उनको नुकसान ना हो उस दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर जो कि आप बजट का प्रावधान करने का ये इंतजाम करेंगे स्कूलों।